Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 13 in your English grammar book, that is about the topic the use of tenses. Students, in the previous classes we have already studied the first part, the second part and the third part of this chapter. Today in this class we are going to study the fourth part of this chapter. Okay. So students, let's open page number 69 in your English grammar book. And today we are going to study about the use of past indefinite or past simple tense. ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि past indefinite या past simple tense को हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है, the past indefinite is used to denote an action in the past. हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस को यूज करते हैं पास्ट टाइम में, है ना, पास्ट टाइम में किसी एक्शन हुआ था, किसी वर्क हुआ था, उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनाइट टेंस. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग, हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस को यूज करते हैं ऐसे एक एक्शन को या ऐसे एक वर्क को शो करने के लिए जो वर्क पास्ट टाइम में हुआ था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, वी लर्न्ड इंग्लिश एट स्कूल, मीन्स हम स्कूल में इंग्लिश सीखते थे. लर्न्ड, है ना, लर्न्ड इज द वी टू फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न. लर्न वर्ब का जो वी टू फॉर्म है वो है लर्न्ड, जो कि इस सेंटेंस में यूज हुआ है. सो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है. नंबर टू, वी प्लेड अ मैच लास्ट संडे, है ना, लास्ट संडे हम एक मैच खेले थे. ठीक है, लास्ट संडे का बात हो रहा है. सो लास्ट संडे में हम एक मैच खेले थे. ठीक है, इधर प्लेड जो है ये है प्ले वर्ब का वी टू फॉर्म. सो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में दिया गया है. नेक्स्ट, टू डिनोट अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस को यूज करते हैं पास्ट टाइम में किसी हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए. ठीक है, हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस को यूज करते हैं पास्ट टाइम में किसी हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल वर्क को शो करने के लिए, मीन्स ऐसा एक वर्क जो पास्ट टाइम में किया जाता था, है ना, उसको शो करने के लिए हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस को यूज करते हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, माई ग्रैनी नेवर टोल्ड लाइज, मीन्स मेरा जो ग्रैनी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना, मेरा जो ग्रैनी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलते थे. ठीक है, इधर जो वर्ब है टोल्ड ये है टेल वर्ब का वी टू फॉर्म. ए सेंटेंस पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में दिया गया है. नंबर टू, ही केम टू आवर हाउस एवरी इवनिंग. ओके, सो ही केम टू आवर हाउस एवरी इवनिंग, है ना, एवरी इवनिंग उन्होंने हमारे घर पर आते थे. एवरी इवनिंग उन्होंने हमारे घर पर आते थे, एक हैबिचुअल एक्शन, है ना, उनका एक हैबिचुअल एक्शन था ये. देखो इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो है केम, जो कि कम वर्ब का वी टू फॉर्म है. ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में दिया गया है क्योंकि ये पास्ट टाइम का एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहे हैं. टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस को यूज करते हैं ऐसे एक एक्शन को शो करने के लिए जो पास्ट टाइम में चल रहा था. ऐसे एक वर्क को शो करने के लिए हम पास्ट इंडिफिनाइट टेंस को यूज करते हैं जो वर्क पास्ट टाइम में चल रहा था. ठीक है, देखो एग्जाम्पल, व्हाइल दे डांस्ड वी सैंग, जब उन लोग डांस कर रहे थे तब हम लोग गा रहे थे. सो जब उन लोग डांस कर रहे थे तब हम लोग गाना गा रहे थे. ठीक है, इक्वल टू व्हाइल दे वेयर डांसिंग वी वेयर सिंगिंग, है ना, जब उन लोग डांस कर रहे थे तब हम लोग गाना गा रहे थे. ठीक है, देखो जो फर्स्ट
सेंटेंस दिया गया है. इधर डांस्ड यूज हुआ है जो कि डांस वर्ब का वीडू फॉर्म है. सैंग यूज किया गया है जो कि सिंग वर्ब का वीडू फॉर्म है. ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया गया है और उसको समझाने के लिए इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है. मीन्स पास्ट टाइम में कुछ एक्शन या कुछ वर्क चल रहा था, है ना, उसको समझाने के लिए नेक्स्ट लाइन यूज किया गया है. पॉइंट्स टू रिमेम्बर, वी कांट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद एडवर्ब्स डिनोटिंग पास्ट टाइम. हम प्रेजेंट परफेक्ट को कभी ऐसे एक एडवर्ब्स के साथ यूज नहीं करते हैं जो एडवर्ब पास्ट टाइम को शो करते हैं. ठीक है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कभी ऐसे एडवर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे जो एडवर्ब पास्ट टाइम को शो करते हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, ही केम हियर यस्टरडे, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ही केम हियर यस्टरडे, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, है ना, उन्होंने यस्टरडे इधर आए थे. सो इस सेंटेंस में केम जो वर्ब है वो है काम वर्ब का भी टू फॉर्म. ए पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है. नेक्स्ट, ही हैज कम हियर यस्टरडे. देखो इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है. ही हैज कम, हैज प्लस भी थ्री कम यूज किया गया है. मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया गया है किसके साथ, ऐसे एक एडवर्ब के साथ यस्टरडे जो एडवर्ब पास्ट टाइम को शो करते हैं. यस्टरडे ए एडवर्ब पास्ट टाइम को शो करते हैं ना, तो इस एडवर्ब के साथ कभी ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस गलत है. नंबर टू, ही रेस्ट होम लास्ट नाइट, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ब है रेस्ट ए है भी टू, और ये सेंटेंस ये बोल रहे हैं कि उन्होंने लास्ट नाइट घर पहुंच गए थे. ठीक है, रीच्ड भी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब रीच, उसके साथ जो एडवर्ब है लास्ट नाइट यूज हुआ है. मींस पास्ट इंडिफिनिट के साथ लास्ट नाइट ये एडवर्ब यूज हुआ है, इसीलिए सेंटेंस करेक्ट है. नेक्स्ट, ही हैज रीच्ड होम लास्ट नाइट, ये सेंटेंस रॉन्ग है. सो ये जो सेंटेंस है ही हैज रीच्ड होम लास्ट नाइट, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इस सेंटेंस में हैज रीच्ड, हैज प्लस भी थ्री रीच्ड यूज किया गया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जो एडवर्ब यूज हुआ है वो है लास्ट नाइट. ये एडवर्ब लास्ट नाइट पास्ट टाइम को शो करते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी ऐसे एडवर्ब नहीं यूज होता है जो एडवर्ब पास्ट टाइम को शो करते हैं, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग है. नोट द डिफरेंस. नंबर वन, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, मीन्स इट शोज दैट वी आर स्टिल लिविंग हियर, है ना. ये जो सेंटेंस दिया गया है, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, हम 10 साल से इधर रहते हैं. ठीक है, हम 10 साल से इधर रह रहे हैं. इस सेंटेंस जो मीन कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि हम अभी भी इधर रहते हैं, है ना, हम 10 साल से इधर रह रहे हैं, हम अभी भी इधर रहते हैं, है ना. इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. नंबर टू, वी लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, हम 10 साल इधर रहते थे. इट शोज That we no longer live here. इसका मतलब है हम अभी इधर नहीं रहते हैं, हम अभी इधर नहीं रहते हैं, बट 10 साल हम इधर रहते थे, पहले रहते थे, बट अभी हम इधर नहीं रहते हैं. इसीलिए इस सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज हुआ है. लिव्ड वर्ब है जो कि भी टू फॉर्म है, लिव वर्ब का भी टू फॉर्म है लिव्ड, है ना. इधर इस सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज किया गया है क्योंकि ये एक्शन शो कर रहा है कि किसी एक एक्शन जो पहले होता था अभी नहीं हो रहा है, है ना, इसीलिए इधर पास्ट इंडिफिनिट यूज किया गया है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी अबाउट द यूज ऑफ द पास्ट इंडिफिनिट टेंस एंड दिस पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली एंड यू हैव टू बी रिमेम्बर. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.